बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद असद तमाम सऊदी अरबिया से। आज मैं कुछ बातें हकीकत पर मबनी करूंगा, जो कि देखा देखी लोग आज़ाद वीज़ा लेते हैं और यहां पर आकर कितने परेशान होते हैं और फिर क्या कहते हैं, आज़ाद वीज़ा नहीं, ये एक अजाब वीज़ा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मैं अबाउट आज़ाद वीज़ा के बारे में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मुकम्मल, जो कि आपकी आँखें भी खुल जाएँगी। हमने 8-10 लाख रुपया दिया किस लिए? एक आज़ाद काम करने के लिए और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। एक मेरे रिश्तेदार जो कि बहुत पुराने मतलब यहाँ पर मौजूद हैं, तो कहते हैं ना, इस तरह कहते हैं, यार मेरा फलां रिश्तेदार यहाँ पर सऊदी अरबिया के अंदर मौजूद है, तो मैं उनकी देखा देखी से मैंने ये आज़ाद वीज़ा लिया कि वो बड़े पैसे कमा रहा है, तो मैं भी क्यों ना आज़ाद वीज़ा लूँ। भाई जान, हीरा बनने में कुछ टाइम लगता है, हीरा बनने में कुछ टाइम लगता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को आप ज़रूर समझेंगे। आप ये मत सोचें कि मैंने एक आज़ाद वीज़ा लिया और दस्ती आया और यहाँ पर बारिशों रियालों की बारिश होना स्टार्ट होगी, ये वो चक्कर अब नहीं है। पहले वाले सीन अब ख़त्म हो गए। पहले मतलब अच्छे डेली दिहाड़ी लगती थी, अब वो सीन नहीं है। अब मैं हफ्ते में मुमकिन एक दिन काम मिलेगा या दो दिन काम मिलेगा, तो बाकी दिन आप बैठ कर खाएँगे, तो वो खर्चा आपका सारा बराबर हो जाएगा। लेकिन ये वाकई सच है, इसमें कोई शक नहीं है। भैया भाई, बेशक आप किसी भी कंट्री में रहें तो इतने पैसे कभी नहीं कमा सकते। अपनी कंट्री के अंदर भी रहेंगे ना, तो आप इतने पैसे नहीं कमा सकते जितने एक दिन में आप सऊदी अरबिया के अंदर कमा सकते हैं। लेकिन वो कौन बंदा कमा सकता है? हुनर वाला, स्किल वाला बंदा। लेकिन आजकल काम के हालात ही ऐसे हैं कि हुनर वाला हो चाहे बग़ैर हुनर वाला हो, चाहे कोई भी मतलब हो, उसके लिए काम ढूँढना मुश्किल है। जो बंदे जा रहे हैं काम पर वो जा रहे हैं, और जो फारग बैठे हैं वो 3-3 महीनों से फारग बैठे हुए हैं और घर वाले खर्चे के लिए बोलते हैं। और तो कई बार ऐसा होता है, मैंने देखे हैं भाई, कि नंबर ही बंद कर देते हैं। भाई जान, घर वाले मिस कॉल देते रहते हैं। अगर बंद यहाँ पर दोस्तों के पास बैठे होते हैं ना, तो उनकी पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश से मिस कॉलें आती रहती हैं। किस लिए? कि खर्चे के लिए यहाँ पर आए ही हम किस लिए हैं भाई? पैसे के लिए आए हुए हैं ना। हमें कोई यहाँ पर किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। हमें यहाँ मजदूरी से गर्ज है और पैसे घर वालों को भेजने का गर्ज है। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं हैं। हम घर वालों की समझे एक पाकिस्तान या बांग्लादेश इंडिया वालों की एक कमेटियाँ हैं। हम कमेटियाँ हैं, हम पैसे ही महीने बाद भेजते हैं बस। हमारा एक पैसे बनाने वाला खिलौना एक सिस्टम है हमारा, आज़ाद वीज़े वाला। तो मेरे प्यारे भाइयों, एक आज़ाद वीज़ा नहीं है। अब सोचें कि एक अजाब वीज़ा है। जिस तरह के दोस्त अब कहते हैं, यार सऊदी अरबिया के अंदर तो काम ही नहीं है, कितने कितने महीनों से रोमों में बैठे हुए हैं। एक आज़ाद वीज़ा तो अजाब वीज़ा बन चुका है हमारे लिए। क्यों यार हमने ये आज़ाद वीज़ा लिया? तो इसके लिए मैं अपने भाइयों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा। अगर आप परेशान हैं सऊदी अरबिया के अंदर, ठीक है, आपने पैसे लगा दिए, 8-10 लाख रुपया लगा रही है, मज़ीद आपने इकामे के ऊपर भी लगा लिए, तकरीबन 15-16 लाख के आप कर्ज़ई समझे होंगे, जितने मतलब आपने पैसे लगा लिए। एक एक दिन जाता बड़ा मुश्किल है भाई जान। आप किसी कंपनी में ट्रांसफ़र कर लें या उस मुसस्सा में चले जाए जिस मुसस्सा में काम हो, अच्छा काम मिलता हो, अपने हुनर के मुताबिक जो आपके पास प्रोफेशन हो उसी के मुताबिक आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लें या अपना मुसस्सों में ट्रांसफ़र कर लें। अब भाई सीधी बात है, मैं आपको साफ कहता हूँ, ना तो मुझे कोई एजेंट देने वाला है, ना आप मुझे भाई अपनी कंट्री के अंदर बैठे हुए मैं आपको सुहाने ख्वाब दिखाऊं, मैं आपको ये कहूं कि बड़े पैसे कमा रहे जी आज़ाद वीज़े वाले, आप यहां पर आओ, यहां पर जलील हो, किसी को बददुआ दोगे, क्या फ़ायदा? बेहतरी है कि आप सऊदी अरबिया के अंदर ज़रूर आओ, इसमें आना चाहिए, अपना मुस्तकबल बेहतर करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आओ, कंपनी में आओ, मुसस्सा में आओ, आज़ाद वीज़े पर नहीं आना। आज़ाद वीज़े पर तकरीबन भाई जान यहाँ 15-15, 20-20 दिन में एक एक दिन काम मिलता है, ये आपको कोई नहीं बोलेगा। हो सकता है स्टूडियो बना के लोग बैठे होंगे अपने, आप अक्सर वीडियो देखते होंगे, लोग स्टूडियो बना के बैठे होते हैं, कहते हैं फलां वीज़े फ़ौरी ज़रूरत है, ये इतने वीज़े आ गए जी फलां कंपनी के, या फलां वीज़े हो गए जी इस एजेंट के पास। ऐसा मैं कुछ नहीं कहने वाला, मैं कहता हूँ तो साफ आपको ये बताता हूँ कि आपको आज़ाद वीज़ा नहीं, अब अजाब वीज़ा बना हुआ है भाई जान, सीधी बात है। यहाँ पर काम नहीं मिलेगा तो आप किसी काम के नहीं हैं, अपने की जेब में पैसा नहीं है तो फिर हम किस काम के भाई जान। तो यहाँ पर बेहतर है आओ कंपनी में और मुसस्सा में। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश में बैठने से बेहतर है, वहाँ काम करने से बेहतर है आप सऊदी अरबिया के अंदर कंपनी में काम कर लो, मुसस्सा में काम कर लो, अच्छे खासे पैसे कमाओगे। एकदम अमीर होने की कोशिश मत करो, आप शॉर्टकट के चक्कर में मत रहो। प्लीज़ बराए मेहरबानी इस वीडियो को आप दूसरे तक ज़रूर शेयर करें और यहाँ पर आकर मुसस्सा में और कंपनियों में काम करें, अजाब वीज़ा में मत चक्कर में पड़ें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आपका कोई भी सवाल है वीडियो के नीचे कमेंट करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नई हकीकत के साथ, नए सच के साथ। अल्लाह हाफिज़।